नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, जैसे कि हमारी तैयारी चल रही है सीटेट की, तो उसी क्रम में आज हम लेकर आए हैं सीटेट के लिए मैथ यानी कि गणित। तो गणित में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो हमने यहाँ पर 2011 से लेकर 2016 तक के सभी प्रश्न रखने का प्रयास किया है जो कि सीटेट में आए थे। तो वो कौन से प्रश्न थे जो सीटेट में आए थे, तो यहाँ पर हमने कौन से प्रश्न लिए हैं, लघुत्तम समावर्तक के यानी कि लैसे के। ठीक है, लैसे के कैसे प्रश्न आए थे। और दोस्तों, इसमें से एक दो प्रश्न हर बार पूछा जाता है, तो हम जो तैयारी करा रहे हैं टॉपिक वाइज करा रहे हैं। पिछली वीडियो देख लीजिएगा, हमारी संख्या से संबंधित थी, उसी में भी हमने सारे प्रश्न कराए हैं। और दोस्तों, ये वीडियो जो है आज हमारी है लैसे से संबंधी यानी कि लघुत्तम समापवर्ती है और मैसे। तो इससे भी दोस्तों बहुत से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर पहला प्रश्न देख लेते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं जो कि सीटेट 2012 में आया है प्रश्न, यानी कि नवंबर 2012 में जो पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न आया हुआ है। तो दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन रखे हुए हैं, अपना दिमाग लगाइए और ऑप्शन को चूज कर लीजिए। इतने में आपको जो है सवाल इसको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये सवाल कैसा होगा दोस्तों, तो यहाँ पर पूछा था 100 के सभी गुणनखंड, तो 100 से कटें, ठीक है। जो 100 जो है किसी से कट सकता है, तो एक से कट जाएगा, दो से, चार से, पाँच से, 10 से, 20 से, 25 से, 50 से और 100 से। तो इनका योगफल यानी कि इन सबको हम जो जोड़ लेंगे, इन सब जोड़ के कितना आएगा, 217 इसका जो है आंसर हमारा आ जाएगा। तो दोस्तों, इसका आंसर था 217, ठीक। और दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, 12 और 16 का न्यूनतम सार्वगुणज, ठीक है, ब्रैकेट में है ये, फिर गुणा 10 और 15 का न्यूनतम सार्वगुणज बराबर है, किसके बराबर है। तो यहाँ पर एक बात आपको बताता चलूँ दोस्तों, यहाँ पर पूछ रहा है न्यूनतम सार्वगुणज, ठीक। न्यूनतम में क्या होता है, लैसे लिया जाता है, और न्यूनतम में लैसे है और अधिकतम में मैस है, इस बात को ध्यान रखना। तो इस सवाल को भी कर लेते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों, इस सवाल को कैसे करते हैं कि 12 के गुणज क्या होंगे, तो 12 किस चीज़ से कटेगा ये नहीं देखना है आपको, क्या देखना है, यहाँ पे 12 का जो गुणज होते हैं 12, 24, 36, 48, 60 यानी कि 12 का पहाड़ा हमको पढ़ लेना है, और यहाँ पर 16 का पढ़ना है। तो न्यूनतम सबसे पहले दोनों चीज़ में क्या सेम आएगा, 48, 48 सेम आएगा ना, तो इसका क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट संख्या है 10 के गुणज, 10 के गुणज 10, 20, 30, 40, 50, ठीक, इसी तरह से 15 के, फिर दोनों में सिमिलरिटी क्या आएगी, 30, न्यूनतम 30 अंक जाएगा। तो 30 की और 48 की जो है हम जो है गुणा कर लेते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है 1440, जो ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाता है हमारा। अगला प्रश्न दोस्तों, सीटेट जुलाई 2013 में आया था। 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का अंतर है बताइए। यहाँ पर पूछा है सार्वगुणज और गुणनखंड, तो ये सवाल कैसा होगा दोस्तों, देख लेते हैं। पहला तरीका मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ, देखिए 5, 10 और 35, 5 के निकालने गुणज, 5 का पहाड़ा पढ़ना हमें लास्ट तक जब तक जो तीनों में सेम नहीं आए, ठीक। 10 का पढ़ना, फिर 35 का पढ़ना, तो सिमिलरिटी क्या आएगी, 70, ठीक। इसके ऐसा बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों, एक तरीका और बताता हूँ मैं आपको, शॉर्ट तरीका, बहुत अच्छा तरीका है वो। हमें क्या करना है, इसका 5, 10 और 35 का जो है लैसे निकाल देना, फिर भी 70 आएगा, ठीक। और फिर इसका क्या निकालना हमें, इन्हीं संख्या का मैसे निकालना है, मैसे पे क्या जाएगा, हमारी संख्या जाएगी 5, ठीक है। तो 5 आएगी, तो सार्वगुणज का अंतर क्या होगा, अंतर हो जाएगा हमारा 70 में से 5 जो है हम निकाल देंगे, ठीक। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 जो है सही बैठ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन दिया है सबसे लास्ट में वीडियो के, वो आपको करना है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सी टैट में जो पूछ लिया जाता है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 105 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो 105 के गुणनखंड निकालने दोस्तों हमें, तो कैसे निकालेंगे,
तो 105 के गुणनखंड निकालेंगे, कैसे निकालेंगे हम? तो हम इसको जाओ लैसे निकाल लेंगे इसका, ठीक है? तो यहीं पे निकाल के देख लेते हैं हम, 2 5 10 और 2 3 कटेगा, 3 से कटेगा, 3 3 9 और 3 5 15, फिर 5 से कटेगा और फिर 7 से कटेगा, तो ये 3 हो जाएंगे संख्या, यानी कि 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा दोस्तों, चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे PDF में प्रोवाइड करा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। तो 36 और 60 का सबसे छोटा सारगुणज, छोटे के लिए क्या निकालना हमें? लेस है, और बड़े के लिए, सबसे बड़े के लिए मैस है, ठीक? तो इसका आंसर देख लेते हैं कैसे होगा ये सवाल। तो 36 का गुणज क्या है, इस तरीके से निकाल सकते हैं हम, पहले इस तरीके से निकाला था, और लैसे भी निकाल सकते हैं, वो आएगा 180, ठीक है? तो सबसे छोटा कितना आएगा, 180, और इसका फिर जो है इसका गुणज निकालना है फिर दोबारा से, तो इसका कितना जाएगा हमारा, 9, दोनों सिमिलरिटी है ना। तो अब देख लेते हैं दोस्तों, 18 और 45 के सबसे बड़े सारे गुणज क्या होंगे? तो 180 आई थी और 9 आया था, तो 9 से जो है हम जो इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यानी कि 20 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, फरवरी 2014 में आया था, तो 42 के गुणनखंडों की संख्या देखनी है, तो 42 के गुणनखंड किससे किस किस के होंगे? तो 42 के देख लेते हैं, अगले प्रश्न में देखते हैं दोस्तों आंसर, यानी कि तो इसका आंसर है 42 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 2 3 7 14 21 और 42, मतलब इनसे जो है 42 पूरा पूरा कट जाएगा, तो इनको जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि आंसर हो जाएगा 8 हो जाएगा हमारा। दोस्तों थोड़ी वीडियो लंबी होने वाली है, क्योंकि हमने सारे क्वेश्चन रखने का यहाँ पर प्रयास किया है। देख लीजिएगा प्रश्न को, 4 5 और 6 का सबसे छोटा सारगुणज और 5 6 और 9 का सबसे छोटा सारगुणज, इसमें जो अंतर हमको बताना है। तो इसका आंसर कैसा होगा, पहले हम इसका लैसे निकाल लेंगे, तो लैसे निकाल के हमारा कितना जाएगा, इसका 4 5 6 का 60 आ जाएगा, ठीक है? फिर हम इसका क्या निकालेंगे, 5 6 9 का दूसरी संख्या का निकालेंगे, फिर दूसरी संख्या का जो हम निकालेंगे कितना आएगा इसका, 19, तो 19 में 60 घटा देंगे तो कितना आएगा, 30, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आपका सही हो जाएगा। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, 8 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल बताना है। तो इसका आंसर आपको बता दूँ, 576 आ जाएगा, लेकिन आएगा कैसे वो भी दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों, मैंने पहले ही सवाल कराया था, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आया था, मुझे कमेंट आ रहे थे कि आप दोबारा से समझाइए। तो देख लीजिएगा, 210, 210 एक से तो पूरा पूरा हो जाएगा ना, तो 210 प्लस यहाँ पर एक कर देंगे, ठीक? तो 211 हो जाएगा। अब 2 से देखेंगे काट के, 2 से यानी कि 210 है, तो 2 से भाग करेंगे हम, कितना जाएगा, 2 1 2, ठीक है? फिर 0 2 5 10, यानी कि 105, तो 105 जो हमारा यहाँ पर आएगा, 105 ही आ गया, 2 से करके देखा था ना, तो 2 इसमें जोड़ देंगे तो कितना जाएगा, 107, ठीक? उसी तरह से हम देख लेते हैं, 3 से पूरा पूरा कट रहा है, 7 से 7 21, 17 प्लस 3 73, 42 प्लस 5 47, 35 प्लस 6 41, और 10 21 गुणा 10 कितने हो गए, 210, तो 21 प्लस 10 कितने हो गए, 31, तो सारा का इनका जो है योगफल हम जोड़ देते हैं इनको सबको, तो कितना आएगा, 576 आएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा सही आ जाएगा। इस तरीके से ये सवाल होते हैं। ऐसा सवाल यह है, 21 और 49 के बीच 7 के गुणज, ठीक है? यहाँ पे कर देते हैं, देखो 21 और 49 के बीच 21 तो आ गया, 7 21 7 7 21 7 4 28, ठीक, 7 5 35, 7 6 42, ये आएंगे ना, तो इनको जोड़ कितना आएगा, 5 2 7, 7 14, अरे 1 15, ठीक है? और 2 3 5 5 4 9, ये तो हमारा 105 आएगा, ठीक है? फिर हमें इसको करना है, आगे देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे आ गया हमारा 28 आ गया, 105 आ गया हमारा, और 25 और 30 का सबसे बड़ा कितना था गुणज, मैथ निकालना है, यानी कि बड़े के लिए क्या आएगा, मैथ है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो 25 का 30 से करा तो इसका मैसे आ गया 5, 105 से 5 को 5 से करा कितना आ गया, 21 इसका जो है आंसर आ गया। इसी तरह से 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल बताना है।
96 के सभी धनात्मक। सेम सेम कंडीशन दोस्तों, जो पिछला सवाल मैंने बताया था वही होगा। ठीक है, 96 किस किस से कट जाएगा? 96 करके दिखा देते हैं, फिर भी देख लीजिएगा दोस्तों। एक झलक 96, ठीक है, 96 प्लस 1 97 हो गया। 48 गुणा 2 तो यहाँ पर 2 जोड़ देंगे, 48 में 2 50 हो जाएगा, 32 में 3 जोड़ देंगे 35 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा 252 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रश्न नंबर 11 था, सबसे छोटा सर्वगुणज। छोटे के लिए लह से निकाल लेंगे तो इसका लह से आएगा 1260। वो बड़े के लिए क्या निकालते हैं? मैं से। तो बड़े के लिए क्या निकाल लें? मैं से निकाल लेंगे इसका ही। तो मैं से कितना जाएगा हमारा? मैं से जाएगा हमारा 6। तो 1260 को 6 से भाग देंगे तो 7 75 60 इसका आंसर आ जाएगा। अगले दोनों प्रश्नों को देख लीजिएगा दोस्तों, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ ठीक है, बताते हैं इनका आंसर। अब 12 प्रश्न का आंसर, 84 के सभी धनात्मक गुणनखंड कितने हो गए? तो ये हो जाएंगे इसके 196। दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट लिया था अगले प्रश्न का, तो देख लीजिएगा 36 के गुणनखंड कितने आएंगे। ठीक है, सिमिलरिटी आनी चाहिए दोनों में, 36 में और 48 में सिमिलरिटी। सबको ढूंढ लेंगे इनको, 2 इसमें आ रहा, 2 इसमें आ रहा, 3 इसमें, 3 इसमें, 4 6 12 इसमें आ रहा। ठीक है, तीनों दोनों के गुणा ले लेंगे, 2 3 4 6 12, इसकी गुणा आएगी 1728। ठीक, तो प्रश्नानुसार देख लेंगे, जो हमारा खाली स्थान यहाँ पे था तो इसकी जगह हमने क्या रखा था? एक्स रखा था। तो एक्स रखा था तो 9x हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो इसमें से घट के कितना जाएगा? 729, और 9 से हमको इसको भाग दे देंगे। ठीक है, एक्स बराबर 81 का आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, 36 54 और 60 का सबसे छोटा सर्वगुणज जो कि 90 के बराबर है, यानी कि इसका लह से निकाल के जो है ना इससे भाग दे देंगे हम। ठीक, 36 54 60 का लह से निकाल के 90 से भाग दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 200 और 400 के बीच में 30 45 तथा 60 का सबसे छोटा सर्वगुणज, भाग देनी है 15 24 तथा 45 का सबसे बड़ा सर्वगुणज। ठीक है, तो इसका क्या? सबसे छोटा इसका लह से निकलेगा, फिर इसका मह से निकलेगा, फिर इसको भाग दे देंगे। कैसे देंगे भाग? देख लीजिएगा, इसका लह से निकाल लिया, छोटे के लिए लह से निकाल लेंगे, लह से कितना आएगा? 360। और मह से के लिए बड़ा जो है मह से निकलता है, जिसका बड़ा जहाँ पर आया था ना बड़ा लिखवाया, तो वहाँ पर जो यानी कि बड़ा सार गुणज, तो उसके लिए मह से निकलेगा। संख्या दी हुई है, इसका मह से हमारा निकाल कर हमारा 3 आ जाएगा, तो 3 से हम 360 को भाग दे देंगे तो 120 इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इंतजार था एक नेक्स्ट क्वेश्चन का, यानी कि जो हमने आपको क्वेश्चन देना है वो आपको करके ले आना है, कमेंट बॉक्स में आपका इसका आंसर बताना है। तो क्वेश्चन क्या है? 3 चौराहों की ट्रैफिक लाइटें, यानी कि जो चौराहा है उसकी ट्रैफिक लाइटें क्रम से प्रत्येक मिनट 75 सेकेंड और 90 सेकेंड के बाद बदलती हैं। यदि वे क्रम से एक साथ 7:50 पर बदलें तो वह पुनः एक साथ कब बदलेंगी? तो दोस्तों इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। वीडियो कैसी लगेगी ये भी बताना है, लाइक तो करना ही है फ्रेंड्स। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन ऑप्शन में से आपको बताना है। धन्यवाद।